गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो का। डाइकोट एम्ब्रियो में फर्स्ट ऑफ ऑल एक जाइगोट बना। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड जाइगोट है। जाइगोट इसमें जब ये सेल डिवाइड हुआ, अब इसमें जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? माइटोटिक डिवीजन। डिवाइड हुआ, अब हम इसको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। टू सेल्स में फॉर्म हो गया ये। दिस वन इज टर्मिनल सेल एंड दिस वन इज बेसमेंट सेल और बेसल सेल। रिमेंबर, अब ये ऐसे नहीं है, किसी किसी बुक में ये रिवर्स दे रखा है कि बेसमेंट सेल या बेसल सेल अपवार्ड है और टर्मिनल सेल नीचे है। वो किस वजह से दे रखा है कि जब अगर हम अपने स्ट्रक्चर को याद करें तो जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो फॉर्म हुआ है टूवर्ड माइक्रोपाइलर एंड और ये है चलाजल एंड पे। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ कर देते हैं और चलाजल एंड नीचे की तरफ कर देते हैं तो ये चीज़ें सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे, साइड लेके चलेंगे माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड। स्टूडेंट ध्यान से देखना इस चीज़ को। डिवीजन माइटोटिक हो रहा है, मीन्स इक्विलेंट डिवीजन चलता जा रहा है। अब जो अपर सेल है, मीन्स टर्मिनल सेल है, इट फॉर्म लाइक दैट। और जो लोअर सेल है वो डिवाइड होगी। वन सेल है, वन सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। ट्रांसवर्स सेक्शन में लॉन्गिट्यूडनली चलेगा। टू सेल्स डिवाइडेड इनटू फोर सेल्स, फोर सेल्स डिवाइडेड इनटू एट सेल्स, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। और इसके लास्ट में बेसल एक स्वेलन सेल। इस स्वेलन सेल को बोलेंगे हम हॉस्टोरियल सेल। इन सब के अंदर ही न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स ये जो सेल है अपर सेल, जो हमने टर्मिनल सेल से बनाई है, टर्मिनल सेल से जो फॉर्म हुई है वो ट्रांसवर्स सेक्शन में जाएगी और इस तरीके से ये फोर सेल्स बनाएंगी। जो अपर पोर्शन बना है फोर सेल्स का, इसे बोलेंगे हम प्रो एम्ब्रियो। और मिडल जो सेल्स, सीरीज ऑफ सेल्स हैं, इसको बोलेंगे हम सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल्स। आई रिपीट इट अगेन, टर्मिनल सेल बनाएगी प्रो एम्ब्रियो। टर्मिनल सेल सिर्फ बनाएगी प्रो एम्ब्रियो। बेसमेंट सेल या बेसल सेल बनाएंगी सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल, सस्पेंसर और हॉस्टोरियल सेल। इसके बाद ये फर्दर डिवीजन में जाएगा जस्ट लाइक। और अब क्या हुआ, जो फर्स्ट, पहले हम अपर पार्ट कर लेते हैं, इट इज लाइक दैट अपर पार्ट। इसको हम यहां बनाते हैं, आगे के लिए थोड़ी इजी हो जाएगा अपर पार्ट। इसके अलावा इसके जो नीचे वाली सेल्स हैं, दीज आर, इसमें फर्स्ट जो सेल है वो इनलार्ज हो जाएगी। मीन्स फर्स्ट सस्पेंसर जो है वो इनलार्ज हो गया, उसके बाद बाकी सेल्स नॉर्मल चलती चली गई इसी तरीके से, और लास्ट में हॉस्टोरियल सेल। अपर सेल जो है प्रो एम्ब्रियो, वो अगेन प्रो एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड होगा। किस तरीके से, अब पहले वो फोर सेल्स में था, अब वो एट सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दैट इज प्रो एम्ब्रियो। लास्ट वाली हमारी थी
हॉस्टोरियर और हॉस्टोरिक्स, हॉस्टोरियल कर रहे कैसे, हॉस्टोरियल सेल उसके ऊपर थी, सस्पेंसर सेल। अब जो फर्स्ट सस्पेंसर सेल जो इलोंगेटेड हुई है उसको बोलेंगे हम हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। क्लियर इज दैट? अब क्या हुआ यहां पर, अब यहां पर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। चेंजेस किस तरीके के, इसको हम थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस देकर बताते हैं। जो सेल थी अपर सेल, इसमें हम एरो इस तरीके से दिखा देते हैं, ये वाला, ये इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, पेरी क्लीनर डिवीजन। पेरी क्लीनर डिवीजन में क्या हुआ, ये 8 सेल्स थी, ये साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो गई। ये तो 8 सेल ये थी, अब इसके अलावा ये इस तरीके से, ये 16 सेल स्ट्रक्चर बन गया। जो बाहर वाली लेयर है ये एपिडर्मिस को फॉर्म करेगी, तो इसको हम बोल देंगे डर्मेटोजन। डर्मेटोजन आगे चल के क्या फॉर्म करेगी, एपिडर्मिस को। क्लियर इज दैट? हाँ जी। अब अगर हम बात करते हैं, हाँ एक बात और, ये जो प्रो एम्ब्रियो है ये 4 स्टेज का है, ये प्रो एम्ब्रियो 4 स्टेज का, और ये प्रो एम्ब्रियो 8 स्टेज का है। जो 4 स्टेज का एम्ब्रियो है इसे हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो क्वार्टेट, और इसे ऑक्टेट। क्वार्टेट मीन्स 4 सेल स्ट्रक्चर, क्वार्टेट ऑक्टेट मीन्स 8 सेल स्ट्रक्चर। इसके अलावा जब ये डिवाइड हो चुका है तो जो हाइपोफाइसिस है, सिर्फ हाइपोफाइसिस की अगर हम बात करते हैं, अब हम हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं, इस एरो को हम यहाँ ले जाते हैं इस तरीके से, ये 8 सेल में डिवाइड हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये 8 सेल। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हम समझाने के लिए इसको इस तरीके से ले रहे हैं। ये सेल्स 4 अपवर्ड और 4 बैकवर्ड होंगी। इसके बाद नीचे की हम सस्पेंशन सेल्स को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। और नीचे हॉस्टोरियल सेल, ये वाला सस्पेंसर। अब देखिए जो सेल्स टुवर्ड सस्पेंसर हैं, लोअर साइड हैं टुवर्ड सस्पेंसर हैं, ये वाली दो, इनमें से जो सबसे नीचे वाली है इट विल फॉर्म रूट कैप, इट विल फॉर्म रूट कैप, और जो ऊपर वाली है ये बनाएगी रूट टिप। क्लियर दैट? और इसके अलावा जो इसके ऊपर है, मतलब टुवर्ड जो प्रो एम्ब्रियो है, टुवर्ड प्रो एम्ब्रियो है, वो दोनों ही सेल बनाएंगी रूट कॉर्टेक्स, मीन्स जाइलम और फ्लोएम को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे यहां से। स्टूडेंट्स इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोअर हाफ में सेल्स हैं, दीज आर लोअर हाफ सेल्स। ये जो लोअर हाफ सेल्स है दे विल फॉर्म हाइपो कोटाइल, हाइपो कोटाइल, और अपर की जो हाफ सेल है दिस वन, अपर हाफ सेल, इट विल फॉर्म प्लीम्यूल एंड कोटिलेडोन, कोटिलेडोन। क्लियर इज दैट? अब हम इसके आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ग्लोबुलर शेप, सॉरी सॉरी, हाँ ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब आगे चल के देखते हैं, जब हम देखते हैं तो ये पूरा सेल डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म में क्या हुआ,
कि हम इस सेल्स की बात करते हैं, ये सस्पेंशन के साथ साथ मिल जाएगा, लोअर पोर्शन मतलब कि टिप, रूट कैप और सस्पेंशन और हॉस्टल सेल, ये सारी एक ही हो जाएंगी। तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। हम ये अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे हमें स्टडी करने में इजी होगा कि कौन सा पार्ट सेल किस पार्ट से जनरेट हुआ है और किस तरीके से वो जनरेट हुआ है। इसके बाद अगर हम अपर पार्ट में देखते हैं, तो अपर पार्ट में हमने यहाँ तक देखा, तो रूट टिप तक हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमारे पास क्या बना था, हाइपो कोटाइल वाला पार्ट आया था, ये अंदर का पार्ट हो गया। मैं इसको लेबल कर देता हूँ एक बार, यहाँ आ जाएगा ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप। एक्चुअली ये कैप फॉर्म हुआ नहीं अभी, रूट टिप, रूट कॉर्टेक्स, इंटरनल सेल्स जो है रूट कॉर्टेक्स हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम बात करते हैं आगे की, तो आगे के में हम देखते हैं इसको, हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं हाइपो कोटाइल को। हाइपो कोटाइल को हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस पार्ट इज हाइपो कोटाइल। दिस पार्ट इज हाइपोकोटाइल, लेबल कर देते हैं हम साथ साथ, हाइपोकोटाइल। इसके अलावा अब बात आती है, ये स्मॉल पार्ट विच इज कॉल्ड प्लीम्यूल। हम इसको, ये इसकी सेल्स हैं, विच आर नोन एज कोटिलेडॉन। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो कोटिलेडॉन और प्लीम्यूल पार्ट है, ये अपर पार्ट से बना है, जिसने एपिडर्मिस लेयर को बनाया है। अपर पार्ट है जो प्रो एम्ब्रियो का, उसने बनाया है कोटिलेडॉन और प्लीम्यूल। लोअर पार्ट है जो हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर का, जिसने हाइपोकोटाइल बनाया है, वो है ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप, रूट कैप, सस्पेंशन, हॉस्टाइल सेल, इन सब ने मिलकर बनाया है ये वाला पार्ट। इसे बोलेंगे हम यहां पर हर्ट शेप एम्ब्रियो। ये बना है इससे। अब हर्ट शेप एम्ब्रियो के बाद अगर हम देखते हैं, हम इसको ले चलते हैं इस तरफ ऐसे, तो हम देखते हैं कि लोअर पार्ट एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाइपोकोटाइल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या हुआ, जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये वाला पार्ट है, ये ग्रो करेगा इस तरफ, इस तरीके से। तो ये क्या कर देगा, यहां पे इस तरीके से। अब अगर हम इसके सेल्स को फॉर्म कर देते हैं,
अब हम जब यहां पे देखते हैं तो दिस वन इज प्लीम्यूल, दीज आर टू आर कोटिलेडॉन। हम डाइकोट का एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं कि डाइकोट का मतलब है दो कोटिलेडॉन बनेंगे, यहाँ पे दो कोटिलेडॉन बन गए, यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया हाइपोकोटाइल, ये रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप, और आगे चल के फॉर्म होगा रूट कैप। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो इसको हम बोलेंगे। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं सीड की कि किस तरीके से एक सीड फॉर्म होगा। तो सीड की बात करते हैं तो हमने बात करी इसकी इस तरीके से, दिस वन इज एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये दीज आर कोटिलेडॉन वन और टू, ये कोटिलेडॉन ही इस पोर्शन पे मिल रहे हैं, इसे बोलेंगे हम कोटिलेडोनरी नोड, कोटिलेडोनरी नोड। अब इस नोड के नीचे वाला जो पोर्शन है दिस वन, इट्स अ रेडिकल, जो रूट पोर्शन की फॉर्मेशन करेगा, और अपर पार्ट प्लीम्यूल, प्लीम्यूल और इसके बीच में, प्लीम्यूल और नोड के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, जो स्टेम फॉर्मेशन करेगा एपिकोटाइल, और इसके जो लोअर पोर्शन में है ये वाला पार्ट दिस वन इज हाइपोकोटाइल। अब अगर हम बात करते हैं, ये सीड है डाइकोट सीड, सीड डाइकोट सीड, अगर हम अब इसकी बात करते हैं तो हमने देखा कि प्लीम्यूल और कोटिलेडॉन जो फॉर्म हुए हैं वो अपर पार्ट से फॉर्म हुए हैं, नोड अपर पार्ट से फॉर्म हुआ है, एपिकोटाइल अपर पार्ट से फॉर्म हुआ है जो स्टेम फॉर्मेशन करेगा, लोअर पोर्शन हाइपोकोटाइल लोअर पार्ट से फॉर्म हुआ है, रेडिकल लोअर रेडिकल रूट कैप को बनाने में हेल्प करेंगे, यहां पर रेडिकल रूट कैप को बनाने में हेल्प करके। एक बार हम पूरा ओवरव्यू करते हैं एक वर्ष का, एम्ब्रियो जो फॉर्म हुआ वो जाइगोट से फॉर्म हुआ, जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें माइटोटिक और एक इक्विवेलेंट डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन से अपर सेल टर्मिनल सेल और बेसमेंट नीचे वाली बेसल सेल फॉर्म हुई है, अपर सेल जो चलाजल एंड के पास होगी वो ही टर्मिनल सेल होगी, और जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होगी वो ही बेसमेंट और बेसल सेल होगी। टर्मिनल सेल प्रोएम्ब्रियो को फॉर्म करती है फोर सेल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट, और लोअर सेल बेसल सेल फॉर्म करती है सस्पेंसर्स को, सस्पेंसर्स दैट इज अ होस्ट सस्पेंसर एंड होस्टर सेल्स को। इसके बाद प्रोएम्ब्रियो एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बनाता है ऑक्टेट, उसके बाद फर्स्ट जो सस्पेंशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा बिगर साइज में दैट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, और रेस्ट ऑफ सस्पेंशन एंड हॉस्टल सेल एज इज रहेंगी। प्रो एम्ब्रियो जो एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर था उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब सरफेस सराउंडेड डिवीजन होगा, न्यूक्लियर चेंजेस होंगे, जो अपर लेयर होगी वो डर्मेटोजन होगी, डर्मेटो मीन्स डर्मिस मीन्स लेयर, जो एपिडर्मल आउटर लेयर बनाएगी। होस्ट जो हाइपोफाइसिस है वो डिवाइड हो जाएगी एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर में जिसमें अपर फोर टू आर प्रो एम्ब्रियो है जो वो फॉर्म करेंगे रूट कॉर्टेक्स, लोअर जो सस्पेंशन की तरफ होंगे वो करेंगे रूट टिप की फॉर्मेशन। इसके अलावा सस्पेंशन एंड हॉस्टाइल सेल एज इज रहेंगी। उसके अलावा
जो अपर सेल होगी वो बनाएगी, अपर जो हाफ होगा इट विल फॉर्म प्लीम्यूल एंड कोटिलेडॉन, जबकि जो लोअर सेल है वो बनाएगी हाइपोकोटाइल। डेवलपमेंट देखिए, इसे बोलेंगे हम ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। इसके अलावा ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो में कोटिलेडॉन प्लीम्यूल डेवलप हो जाएंगे, हाइपोकोटाइल डेवलप हो जाएगा, रूट कैप, रूट टिप और कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड हर्ट शेप एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पे हर्ट शेप आ जाता है। उसके अलावा ये बन जाता है, ये जो हर्ट शेप एम्ब्रियो में पोर्शन है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉटिलेडन स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड हॉर्स शेप, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड का जो कॉटिलेडन पोर्शन, हाँ, इस पूरे पोर्शन को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस बनाएगा, नीचे वाला रेडिकल है, उसके ऊपर वाला हाइपो कोटाइल है, अपर एपिकोटाइल है, प्लीम्यूल है। दैट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो।